नमस्ते, मैं हूँ रेणुका। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मेरी आवाज़ कुछ बराबर से नहीं आ रही है। तो अगर आप रोज़ रोज़ एक जैसा नाश्ता खा के बोर हो गए हो, तो आज मैं आपको सोया चंक्स और सूजी से बना एक बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा नाश्ता बना के दिखाने वाली हूँ, जो आपने इस तरह से पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को बॉईल करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें एक कप सोया चंक्स डालने हैं, फिर हमें इसमें दो टमाटर डालने हैं, तो आप इसमें टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हो। फिर हमें इसमें 8 लहसुन की कलियाँ और 4 या 5 बारीक कट किए हुए अदरक के पीसे डालने हैं। फिर हमें इसमें एक प्याज डालना है, तो मैंने यहाँ प्याज के 2 पीस किए हैं। फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार हरी मिर्च डालनी है, तो हरी मिर्च के 1.5 निकाल के हमें इसमें डालना है। फिर हमें इसमें 2 कप पानी डालना है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें बॉईल करने के लिए रख देना है। फिर हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है और इन्हें हमें 2 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। तो अभी 2 मिनट हो चुके हैं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स अभी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। फिर हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। फिर हमें एक मिक्सर का बर्तन लेना है और इसमें हमें बॉईल किए हुए टमाटर डालने हैं, तो हमें इसमें टमाटर के सारे छिलके निकालने हैं, फिर इसमें डालने हैं। फिर हमें इसमें सारे बॉईल किए हुए इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। फिर हमें इसमें बॉईल किया हुआ प्याज डालना है, हरी मिर्च डालनी है, लहसुन और अदरक सारे इंग्रेडिएंट डालने हैं। तो यहाँ मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। फिर हमें इसमें 1/2 कप बारीक कट की हरी धनिया डालनी है। फिर हमें इसमें 1 चम्मच जीरा डालना है। फिर आखिर में हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स का एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स का एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ अभी टमाटो की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। फिर हमें इस चटनी को एक बाउल में निकालना है। तो अभी यह चटनी सर्व करने के लिए बनके तैयार हो चुकी है। फिर हमें फिर से मिक्सर का बर्तन लेना है और इसमें हमें बॉईल किए हुए सारे सोया चंक्स डालने हैं। और इनका भी हमें एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ मैंने सोया चंक्स का एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है। फिर हमें इस पेस्ट को एक बाउल में निकालना है। तो यहाँ मैंने सोया चंक्स की पेस्ट को एक बाउल में निकाल दिया है। फिर हमें इसमें 1/2 कप बारीक सूजी डालनी है। फिर हमें इसमें 1/2 कप बारीक कट की हुई हरी धनिया डालनी है। फिर हमें इसमें 1 चम्मच जीरा डालना है। फिर हमें इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालनी है, तो आप इसमें स्वाद अनुसार बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हो। फिर हमें इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालनी है, तो चीनी ऑप्शनल है। फिर हमें इसमें एक बारीक कट किया हुआ प्याज डालना है। फिर आखिर में हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। तो ये रेसिपी चटपटी बनाने के लिए आप इसमें 1/2 कप दही भी डाल सकते हो। फिर हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इसका हमें पेस्ट बनाना है, तो हमें इसमें 1/2 कप पानी डालना है। तो हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स का ज़्यादा पतला सा पेस्ट नहीं बनाना है, एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। फिर हमें इसमें 2 या 3 चम्मच टमाटो की चटनी डालनी है, तो आप इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें चटनी डाल सकते हो। फिर हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अभी यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो इस बैटर को हमें 15 मिनट तक के लिए ऐसे ही भिगने के लिए रख देना है। तो अभी 15 मिनट हो चुके हैं और ये बैटर अभी अच्छी तरह से भीग चुका है।
तो ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस पे अप्पे बनाने का तवा रख दिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें चम्मच से तेल डालना है और इस बैटर के हमें इसमें अप्पे डालने हैं। तो आप इस बैटर का इस्तेमाल करके थाली पीठ भी बना सकते हो। तो यहाँ मैंने इसमें अप्पे डाल दिए हैं, फिर हमें इन्हें एक तरफ से 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेना है। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर प्लेट रख देती हूँ। तो अभी 2 मिनट हो चुके हैं और ये अप्पे अभी एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, तो हमें इन्हें चम्मच से पलट देना है। तो इन्हें फ्राई करने के लिए ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं लगती। फिर हमें इन्हें दूसरी तरफ से भी 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेना है। तो अभी 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अभी दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें हमें अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। तो अभी यहाँ ये गर्मा गर्म अप्पे बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप इन्हें टमाटो की चटनी के साथ, नहीं तो ग्रीन चटनी के साथ नाश्ते में गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तो थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो।